नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी जॉब न्यूज में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस, जो कि एक ये नई सीरीज हमने हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर चलाई है, जो कि ये कंप्यूटर के जो पर्सन है, जो क्वेश्चन है वो बहुत सारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवारी के एग्ज़ाम हो, या फिर चाहे CISF CRPF किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, उसके अंदर कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और राजस्थान पुलिस और पटवारी के अंदर तो एक सिलेबस के अंदर नया टॉपिक ही कंप्यूटर का जोड़ दिया है, जो कि अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर आपके लिए हम कंप्यूटर से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको प्रत्येक वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन है वो करवाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन है हम लेते हैं, हमारे जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो हिंदी में लिखा गया है वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, वो आप वॉइस के ऊपर ध्यान दे लेना, वहाँ पे हम उसको सही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि CPU है, उसको कंप्यूटर का ब्रेन है वो कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, यानी कोई प्रोग्राम हम कंप्यूटर पर रन कर रहे हैं तो वो स्लो चलता है, उसमें बग आ जाता है, कंप्यूटर में बग आ जाता है, तो वो बग है वो क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, एरर। यानी कि कई बार हम बोलते हैं कि मान लीजिए मोबाइल के अंदर, मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में कोई बग आ जाता है या कंप्यूटर में कोई बग आ जाता है, कोई मतलब काम नहीं करता है, तो वो एक एरर होता है। इसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा आंतरित करने की अनुमति देता है। तो ये आपको यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, यानी कि जो मॉडेम है वो कंप्यूटरों को डाटा अंतरित करने की जो अनुमति है वो देता है टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मॉडेम। चलिए हमारा चौथा आज का जो क्वेश्चन है वो है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो 5 का क्वेश्चन है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा WWW का सही रूप है, यानी कि इसमें आपको सही रूप बताना है, फुल फॉर्म बताना है WWW की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इससे ये जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इसका PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF के नीचे आप जाएंगे तो सारे जो हम जो आंसर की है वो नीचे दे रखा है, सारे आंसर हैं वो नीचे दे रखे हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, CPU का क्या अर्थ है। यहाँ आपको CPU का फुल फॉर्म बताना है CPU। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम 7 नंबर पे, 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, यानी कौन सा वो उत्पाद है जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी, माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद में हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, WWW के आविष्कार तथा संस्थापक कौन है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक और संस्थापक का यहाँ पे आपको नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्न्स-ली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए।
चलिए फ्रेंड्स, हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है वो कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, प्रकाश भंडारण है वो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। इसके बाद में 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, यानी कि आपको बताना है कि पहला जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें क्या था, ट्रांसजिस्टर था, वोल्व था, क्रोड स्मृति या अर्धचालक स्मृति। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी, यानी कि वोल्व था। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हमारे 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, अनुपम क्या है। यहाँ आपको बताना है कि अनुपम है वो क्या है। तो अनुपम का सही आंसर होगा एक सुपर कंप्यूटर है, अनुपम है वो एक सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद में हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। जो भारत में बना था परम सुपर कंप्यूटर उसका विकास है वो किस संस्था ने किया था, ये आपको इस के अंदर बताना है। तो सही इसका आंसर होगा सी, DAC यानी कि डेक ने किया था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। यानी कि 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाइट। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। यानी कि इसमें आपको परियोजना बतानी है कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो 14 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा डी, अनुपम। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि एक बाइट है वो किससे बना होता है। तो जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ए, 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, स्पेम, यानी 16 नंबर का क्वेश्चन है, स्पेम किस विषय से संबंधित है। जो स्पेम, कई बार हमारे पास मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं, उसमें लिखा होता है स्पेम मैसेज, स्पेम कॉल। तो यही आपको यहाँ पे बताना है कि स्पेम किस विषय से संबंधित है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 17 नंबर का, यहाँ आपसे पूछा गया है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट कौन सी है। यानी कि जो डेटा होता है उसके जो प्रेषण की गति है उसको मापने के लिए सामान्यतः यूनिट है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे 16 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, बिट प्रति सेकंड के अंदर ये इसकी यूनिट है वो होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। यानी कि इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है। हम जो कमांड देते हैं तो वो कंप्यूटर को कैसे बताता है कि आपको कंप्यूटर को कैसे बताता है कि क्या आपको करना है। तो इसमें हमारा जो 18 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा डी, प्रोग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। यानी कि इनमें से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कौन सी है। तो यहाँ पे भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो है TCS, यानी कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बहुत सारी एग्जाम्स हैं वो भी ये कराती है। TCS कंपनी है वो, जो ऑनलाइन एग्जाम होती है वो भी ये कंडक्ट कराती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है। यानी कोई कंप्यूटर है वो कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, रैम के अंदर वो जो कर्मादेश है वो अटक जाता है। इसके बाद में हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति है उसको क्या कहते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, रोम। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है,
कि निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। जो कंप्यूटर की पहली भाषा है वो कौन सी विकसित की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा फोर्ट्रॉन। जो कंप्यूटर की पहली भाषा है वो फोर्ट्रॉन। इसके बाद में नेक्स्ट है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सिलिकॉन के। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर का, इसमें पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी, गैस प्लाज्मा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। जो लेजर प्रिंटर होते हैं उनमें से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड अर्धचालक लेजर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर का, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। जो पहला कंप्यूटर था वो किसने बनाया था। तो इसका सही आंसर है, ये सभी को आपको आता है, चार्ल्स बेबेज ने। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर का, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। यानी कि जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका लघु रूपकरण है वो किसके द्वारा संभव हो सका। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, समकालित परिपथ चिप के द्वारा। ठीक है, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। यानी किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय है वो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा श्रेणीबद्ध मॉडल। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर का, और आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। यानी कंप्यूटर के अंदर जो त्रुटियां आती है उन आंकड़ों को कौन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बग। तो यही बताता है कि कितनी त्रुटियां हैं वो यहाँ पे आई है कंप्यूटर के अंदर। तो ये 30 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए थे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद कीजिए। इनका जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके जो आंसर है वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस PDF के अंदर। आप जैसे ही PDF को डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे जो आंसर हैं वो 30 क्वेश्चन के वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये PDF है, ये 3 पेज की PDF है। आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे PDF आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और YouTube पे आप वीडियो वो भी देख सकते हैं। इस प्रकार के हम आपको 200 से 300 क्वेश्चन है वो आपके लिए हम लेके आएंगे, और प्रत्येक जो सेट होगा वो 30 क्वेश्चंस का होगा। तो आज हम ये 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं, आप ज़रूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन है वो कैसे लगे। ये बहुत सारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पटवारी, राजस्थान पुलिस, CISF, CRPF, हेड कॉन्स्टेबल हो गया, कॉन्स्टेबल हो गया, जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। और जो अन्य जो एग्जाम होती है कंप्यूटर की, जैसे कंप्यूटर कोई कोर्स हो रहा है, ओ लेवल हो गया, RSCIT हो गया, RKCL के द्वारा जो होता है, उसके अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप हमारे आने वाले वीडियो हैं वो भी देखना मत भूलिएगा। इसी चैनल के ऊपर हम आपके लिए आने वाले वीडियो हैं वो भी लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।